किरण खान का सलाम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आज चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। भारत की किसान तहरीक, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे। खुले आसमान और कोविड के तारीख बादलों के साए तले, मौसम की तल्खियों को झेलते, पुलिस की मारपीट को सहते, हुकूमत की बेहिसी का मुकाबला करते और अपने 500 से ज़ायद साथियों को अमवाद के बावजूद किसान आंदोलन 9 माह पूरे कर रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ इजहार राय को बगावत करार दिया जाने लगा है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तवील और वसीउल बुनियाद तहरीक है। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे से कोई और तहरीक इतनी लचकदार और साबित कदम नहीं रही है। तालिबान से वादे पूरे करवाएं, अमरीका का पाकिस्तान से मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो तालिबान को इनके वादों को पूरा करने पर कायल करने के लिए तामीरी किरदार अदा करे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पीर को कांग्रेस की समाअत के दौरान कहा था कि अमरीका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर गौर करेगा ताकि ये तय किया जा सके कि वाशिंगटन इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहेगा। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि हम पाकिस्तानी हम मनसूबों और क़्यादत से मुसलसल राबते में हैं और हमने अफगानिस्तान के मुतालिक तफसीली बात की है। तालिबान तर्जुमान ने इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद समेत अहम अहदेदारों ने इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की है। अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान और वजीर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और हकानी नेटवर्क के एक रुकन समेत सीनियर तालिबान अहदेदारों ने अबूरी हुकूमत के क्याम के बाद से तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों की क़्यादत के दरमियान इख्तलाफात से मुतलिक खबरों की तरदीद कर दी। खबरसान एजेंसी एपी के मुताबिक 7 सितंबर को तालिबान की जानिब से काबीना की तश्कील के बाद इख्तलाफात की खबरें ज़ैर गर्दिश थीं जो इनके वादों के बरअक्स 1990 की दहाई में इनके सख्त दौरे हुक्मरानी से मुताबकत रखती नज़र आई थी। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खित्ते को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, अफगानिस्तान के मसले को सबको मिलकर हल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ताजिकस्तान के दारुलहुकूमत दुशंबे में 20वें शंघाई ताउन तंजीब कौंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जंगजदा मुल्क के आवाम के साथ खड़े हों। अदाकारा नौशीन शाह ने फिरदौस आशिक अवान को कम मेकअप करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी अदाकारा नौशीन शाह ने हाल ही में एक शो में शिरकत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान को कम मेकअप करने का मशवरा दे दिया। नौशीन शाह ऑनलाइन शो टू बी ऑनेस्ट 3.0 में शरीक हुई जहां इन्होंने मेज़बान ताबिश हाशमी के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। शोबिज़ इंडस्ट्री में नौशीन शाह के फैशन सेंस के काफ़ी चर्चे हैं। मेज़बान ने अदाकारा से सवाल किया कि आप इंडस्ट्री की फैशन आइकन हैं तो कौन सी अदाकारा आपको टक्कर दे सकती हैं। इसी के साथ देसी टीवी यूएसए से खबरों का वक्त ख़त्म हो जाता है। हर दिन के आगाज़ से हर दिन के अख्ताम तक देसी टीवी यूएसए रहता है हर पल आपके साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com और क्लिक करें हमारा लिंक ट्री। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करें फॉलो क्योंकि आपकी मोहब्बत आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए। अल्लाह हाफिज़।